ए एरिया पर गिर रही है, कितने पर, ए एरिया पर, और लाइट की इंटेंसिटी आई है और वेवलेंथ क्या है, लेमडा। तो अगर अब मैं देखना चाहूँ और मुझे अब निकालना है कि मान लीजिए केस वन इसमें ले लूँ, और केस वन में मैं ले लूँ कि आर इक्वल टू आपको वन दे रखा है और ए इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले बात आती है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, यही एक टास्क है जो आपको बताना है। बताओ, एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लीजिए ऐसे ये बीम आ रहा है कोई लाइट का, ठीक है, परपेंडिकुलर गिर रहा है, और ये मान लीजिए कि ए एरिया पर गिर रहा है, आई इसकी क्या है, इंटेंसिटी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो अगर मैं पूछना चाहूं आपको कि इस पर एनर्जी, इस ए सरफेस एरिया पर एनर्जी कितनी गिर रही है, और जो बीम जो है वो परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कहोगे, आई इंटू ए इज द एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो एरिया है ना ए, वही बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है? बीम का वही क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर मैं कहूं कि ये एनर्जी पर सेकंड ऐसे गिर रही है इस बीम के थ्रू, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मान लीजिए ये वॉल हटा दी मैंने, ये ए एरिया की वॉल मैंने हटा दी, और मैं क्या कर रहा हूं, अब एक ऐसी वॉल मैंने लगा दी, तो ये अब क्या होगा, अब ये रे यहां तक आएगी, यहां तक, और ये यहां तक। अब एक बार बताओ, पर सेकंड तो अभी इतनी ही एनर्जी आएगी, क्या बीम मैंने चेंज किया, नहीं। क्या मैंने इंटेंसिटी चेंज की, नहीं। इसका मतलब जो फोटॉन्स जितने फॉल कर रहे होंगे पर सेकंड, उतने तो अभी भी उतने ही होंगे। नहीं समझ में आई? मेरा सरफेस का इंक्लाइन कर देने से क्या चेंज इन एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड चेंज हुआ, नहीं। क्या मैंने इंटेंसिटी में चेंज लाया, नहीं। क्या मैंने बीम के रेडियस में चेंज लाया, नहीं। क्या बीम के क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज लाया, नहीं। तो चाहे तो टॉर्च जो आपके हाथ में लगी है, मान लीजिए टॉर्च लाइए, टॉर्च को ऐसे गिराइए सरफेस पे, या फिर ऐसे गिराइए, टॉर्च से जितने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे होंगे वो तो सरफेस पे सेम ही होंगे ना। समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है, जो फोटॉन्स पर सेकंड निकालने के लिए, एनर्जी पर सेकंड निकालने के लिए आपको जो लेना पड़ता है वो क्या लेना पड़ता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बीम, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बीम। तो अगर मैंने ये कह दिया है कि मान लीजिए ये सरफेस का ये वाला एरिया, या फिर बोले तो ये सरफेस एरिया जो है, अगर आपको ए दे रखा है, तो क्या इंटेंसिटी में आप ए का मल्टीप्लाई करोगे इस केस में, नहीं। आपको इंटेंसिटी में इस क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मान लीजिए ए डैश है। तो आई इंटू ए डैश विल बी द एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड होगा। तो अब बताइए कि हमें पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है, खैर इस बात को अब यहां पर डिस्कस करेंगे आगे की बात को। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि ये अगर एरिया है, इस एरिया से इंटेंसिटी, इस एरिया से एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड का कोई मतलब नहीं है। एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड का जो मतलब है ना, वो इस एरिया से है। समझ आ रही है? अब बीम टॉर्च है, टॉर्च को ऐसे कर लोगे तो ये एरिया जितने पे गिरेंगे फोटॉन्स वो बढ़ जाएगा, ऐसे कर लोगे तो क्या होगा, इतने एरिया जितना बीम का एरिया है उतना ही एरिया पे सरफेस के पे फोटॉन्स गिरेंगे। समझ आ रही है? तो हमको बेसिकली ये एरिया ना लेते हुए कौन सा एरिया लेना पड़ेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड निकालने के लिए, ये वाला एरिया, ठीक है। तो अब एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, जहां हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले, और यहां पर ए वैक्टर, ठीक है। अब बेसिकली हमें कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। अगर मैं इस एंगल को, किस एंगल को, वर्टिकल से एंगल को मान लीजिए, अगर मैं थीटा मान लूं कि ये जो गिर रही है लाइन और इसका जो एरिया है, ये जो वर्टिकल से
एंगल कितना है थीटा, मतलब क्या मान लिया है कि जो हमारी जो ये जो फॉलिंग हो रही है लाइट का जो फॉलिंग हो रहा है वो परपेंडिकुलर से मतलब नॉर्मल से थीटा एंगल पे हो रहा है, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, मतलब ये एंगल क्या है थीटा है। अगर ये सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया ए है तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, अगर इस वाले एरिया की बात करूं ए डैश तो ए डैश क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड निकालने के लिए हमको आई इंटू ए डैश करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्या होते हैं बोलो, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड कितना होगा आई इंटू ए डैश, और ए डैश कितना है ए कॉस थीटा। एनर्जी फॉलिंग नेट एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, तो एच सी वाय लैम्डा। समझ आ रही है, तो यहां से बेसिकली ये कितनी आ गई आई ए लैम्डा इंटू कॉस थीटा अपॉन एच सी। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन दिस सर्फेस, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सुनो मैं आगे जा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि सारे के सारे फोटॉन्स जो गिर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सारे के सारे फोटॉन्स जो गिर रहे हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सारे के सारे जो फोटॉन्स हैं वो गिर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैंने ये मान लिया क्योंकि आर इक्वल टू मैंने वन मान लिया। तो मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था, कॉलिजन पढ़ा था। अगर मैं मानू कि ये बॉल है, ये यहां से ऐसे आ रही है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए बी से आ रही है, ठीक है, और वर्टिकल से मतलब नॉर्मल से ये एंगल कितना है थीटा है। तो अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो आफ्टर कॉलिजन वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी, मतलब आफ्टर जस्ट आफ्टर कॉलिजन की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसे जाएगी, और वो कितनी सेम स्पीड से जाएगी, और ये वर्टिकल से कितने एंगल बना के जाएगी थीटा एंगल बना के जाएगी। इस केस में अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही तो लिखूंगा। अब मुझे एक बार बताइए कि अगर मैं इसका कंपोनेंट करूं, एक कंपोनेंट ए होगा वी का और एक कंपोनेंट ए होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना थीटा, तो ये कितना हो जाएगा वी कॉस थीटा। अगर इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा वी साइन थीटा। अब जब कॉलिजन के बाद की सिचुएशन ये है, इसमें मैंने मान लिया है कि ये वी से ऐसे ही गई है क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है तो ऐसे ही जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में। जैसे कि हमने पता है कि लाइट रे जब ऐसे गिराएंगे तो जितने एंगल पे आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है नहीं होता, वही मान के मैंने चला है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है लाइट का फोटोन, वो ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में अगर कंपोनेंट देखना चाहूं और वर्टिकल में कंपोनेंट देखना चाहूं तो देखो क्या होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। अब एक बार बताओ कि चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है तो इसका मतलब नेट चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है। नेट चेंज इन मोमेंटम में मुझे बताइए क्या क्या आता है। अगर नेट चेंज इन मोमेंटम में देखूं तो नेट चेंज इन मोमेंटम में जो आएगा वो आएगा चेंज इन मोमेंटम इन एक्स प्लस चेंज इन मोमेंटम इन वाई। बट द थिंग इज कि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स क्या है इस पर्टिकुलर केस के लिए, जीरो। क्योंकि देखो एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए ये वाई मान लिया और ये एक्स मान लिया, तो इन एक्स डायरेक्शन द इनिशियल वेलोसिटी और जस्ट बिफोर द कॉलिजन कितनी वेलोसिटी थी वी साइन थीटा, मतलब मोमेंटम कितना था एम वी साइन थीटा, और जस्ट आफ्टर कॉलिजन अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है मास ऑफ दिस बॉल मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो वो क्या एम वी साइन थीटा। तो एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा मतलब
चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या है? जीरो. तो द नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस बॉल इज इक्वल टू द नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस बॉल इन वाई डायरेक्शन, जिसको क्या लिख सकता हूं, पी वाई फाइनल माइनस पी वाई इनिशियल. मैं वेक्टर इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने वाई डायरेक्शन वाई बोल दिया है, ठीक है ना. अब मुझे बताइए पी वाई फाइनल की मैं बात करूं तो क्या होगा, एम इंटू वी कॉस थीटा, एम वी कॉस थीटा माइनस पी वाई इनिशियल की बात करूं तो मास इंटू वेलोसिटी किधर है, इनिशियल बोलो इन दिस डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव वाई, मतलब माइनस वी कॉस थीटा. इसका मतलब ये हो गया इट इज इक्वल टू 2mv cos theta, ठीक है 2mv cos theta, ध्यान रहे 2mv cos theta. जब theta जीरो था, theta अगर जीरो कर दूं तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mv. अगर theta क्या हो गया, theta अगर जीरो हो जाता तो चेंज इन मोमेंटम 2mv, अगर थीटा कोई रैंडम थीटा है तो चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा. किस डायरेक्शन में है चेंज इन मोमेंटम, किस डायरेक्शन में है चेंज इन मोमेंटम, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो लिखा है मैंने वो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिखा है. समझ आ रही है? इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है. मतलब वाई डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स लगा है. किस पर पार्टिकल पर. मतलब अगर यहां देखें कि जो फोटॉन्स हैं, मान लीजिए ऐसे फोटोन आया और कितना मोमेंटम लेके h बाई लैम्डा, और टकराने के बाद ऐसे निकल गया, कितना मोमेंटम लेके h बाई लैम्डा. तो अगर इसके चेंज इन मोमेंटम की बात करूं ना, डेल्टा p की अगर मैं बात करूं तो 2h बाई लैम्डा, 2h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है. जैसे कि वहां पे क्या आ रहा है, एम वी मोमेंटम होता है ना पार्टिकल का, एम इंटू वेलोसिटी. समझ आ रही है? एम टू स्पीड जो दे रखी है उसकी. तो टू यहां पे मोमेंटम को मैं क्या बोल रहा हूं, अरे वहां का मोमेंटम एम वी को, यहां पे मैं क्या है, टू पी कॉस थीटा ही तो है, और अगर पी अगर मोमेंटम है तो, समझ आ रही है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है. तो हम यहां कह सकते हैं 2 इंटू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज द चेंज इन मोमेंटम. और ये चेंज इन मोमेंटम जो है, इस चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है मुझे ये बताइए, इस पर्टिकुलर फोटोन पर वो ऊपर की तरफ है. किस तरफ है? वाई डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, जैसा वहां से प्रूव हो गया. क्योंकि द नेट चेंज इन मोमेंटम equal to the net change in momentum in y direction, then we can say it is upward in y direction is the change in momentum, net change in momentum of this photon in upward direction. मतलब net force जो इस photon पे लगा है वो ground के द्वारा किधर लगा है, ऊपर की तरफ लगा है. तो अब अगर मैं बोलूं कि net force या net change in momentum per second, नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना हो जाएगा फॉर ऑल द फोटॉन्स, कितना हो जाएगा, नेट फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन मोमेंटम फॉर अ फोटॉन, फॉर वन फोटॉन. मतलब अगर मैं पहले यहां पे देख लूं कि नेट नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन फोटॉन्स तो वो कितने हैं, पूरे के पूरे, क्योंकि जितने आ रहे हैं उतने के उतने क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. यही तो हम r इक्वल टू वन में मान के चले. अगर मैं लिखूं कि नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर ऑल द फोटॉन्स, फॉर ऑल द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, फॉर ऑल द रिफ्लेक्टेड
फोटॉन्स कितना हो जाएगा बोलो, सिंपल सा, एक मूव, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा बोलो, आई ए लैम्डा बाय सी, और यहां से 2h बाय लैम्डा इंटू कॉस थीटा, 2h बाय लैम्डा इंटू कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका h से h गया, लैम्डा से लैम्डा गया, 2ia बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मैं डायरेक्ट यहां से ये बोल दूं कि नेट फोर्स फॉर नेट फोर्स ऑन द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स वो किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है? तो वो कितना होगा, इतना ही होगा, और जितना फोर्स उन पे लगेगा उतना ही न्यूटन के थर्ड लॉ से ग्राउंड पे लगेगा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं कि नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय ऑल द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, बाय ऑल द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स कितना हो जाएगा, 2ia बाय c cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या है, सरफेस है, इस पर जो नेट फोर्स है वो किधर लग रहा है, इधर, जब हमने क्या माना है सारे के सारे फोटॉन्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया a, अगर प्रेशर की निकालूं मैं, प्रेशर ऑन द सरफेस देन इट इज इक्वल टू क्या डिवाइड करूंगा, क्या होता क्या है, प्रेशर F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, और ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, F परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि द नॉर्मल फोर्स, क्योंकि फोटोन पे, एक फोटोन पे कैसे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, नेट वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम था, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो वो फोटोन की वजह से नीचे की तरफ ग्राउंड पर फोर्स होगा जो कि नॉर्मली होगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि F परपेंडिकुलर ही है बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, ये F परपेंडिकुलर ही है, तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 2i अपॉन c cos स्क्वायर थीटा। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड फॉर r इक्वल टू 1 के केस में, किसके में, r इक्वल टू 1 के केस में आप समझते हैं 2i बाय c cos स्क्वायर थीटा इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑल द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स ऑन द सरफेस। लिखिए, सो अगर मैं सेकेंड केस ले लूं, सेकेंड केस में मैं क्या कह सकता हूं, केस टू से a इक्वल टू 1 ले लूं और r इक्वल टू क्या ले लूं, 0, इसका मतलब ये अगर फोटोन ऐसे आ रहा है थीटा एंगल पर h बाई लैम्डा मोमेंटम के साथ, तो फाइनली ये क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, ये फाइनली क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि एक बॉल आ रही है और यहां पे आने के बाद इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, प्लस स्पीड कितनी है, v है, और आने के बाद में यहां पे क्या हो जाती है, वो अब्सॉर्ब हो जाती है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, डेल्टा पी की बात करूं, डेल्टा पी की चेंज इन मोमेंटम की बात, तो कितना होगा, सबसे पहले एक चेंज इन मोमेंटम के लिए यहां पे आके फाइनल वेलोसिटी 0, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, v, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए कि इस डायरेक्शन को, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूं, ध्यान से समझिएगा, मैंने डायरेक्शन जिस लाइन में वो आ रहा है ना उसको नेगेटिव, और जिस लाइन के ऑपोजिट, इस लाइन के ऑपोजिट को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एम इंटू वी, इसका मतलब एम वी इज द चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में,
इन दिस डायरेक्शन में, जिस लाइन में आ रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है इस पार्टिकल का। आप सुनो ध्यान से कि जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा होगा। तो अगर इस बॉल पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा तो इसका मतलब ये यहां पे आके अब्सॉर्ब हो जाती है, या मैं कह दूं कि चिपक जाती है। तो जो ग्राउंड पे जो फोर्स लगाएगी वो किस डायरेक्शन में लगाएगी? इस डायरेक्शन। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ये क्या है आपका, एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। अगर कोई एक आपके पास में मान लीजिए क्ले की एक बॉल ले लो, क्ले जो कि चिपक जाए, और वो क्ले की बॉल ऐसे मारो इस पर, इस पर ऐसे क्ले की बॉल मारो ऐसे किसी एंगल पे ऐसे, तो क्या होगा? वो जो ये जहां पे चिपकने के साथ में इस जो बुक को इधर अपने साथ ले जाएगी। क्यों ले जा रही है? क्योंकि बेसिकली जो चिपक रही है ना, तो उसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन, मतलब उस पर फोर्स इधर लग रहा है, और इस पर फोर्स इधर लगने के चलते इस बुक पे जो फोर्स लगा रही है वो इधर लगा रही है। समझ आ रही है? ऐसा ही यहां पे हो रहा है कि जो फोटोन आ रहा है उसका क्या हो रहा है कि वो यहां पे आके अब्सॉर्ब हो जा रहा है, और उसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में, मतलब मैं अगर इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लूं और इस डायरेक्शन को अगर नेगेटिव ले लूं, तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं इस फोटोन का देख रहा हूं तो वो एच बाई लेमडा है, और वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। समझ आ रही है? मतलब वर्टिकल से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर इधर चेंज इन मोमेंटम है। किसका? जो अब्सॉर्ब हो रहा है उसका। अब यहां पे ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड जितने भी हैं, यहां पे अगर मैंने a इक्वल टू 1 ले रखा है तो मैं ये भी कह सकता हूं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? अब्सॉर्ब हो रहे हैं। जितने फॉल होंगे उतने अब्सॉर्ब हो रहे हैं, मान सकता हूं। तो यहां पे ये लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स। अगर मैं लिखना चाहूं डायरेक्टली, मैं लिखूंगा, स्टेप बोल देता हूं, नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर ऑल दी अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स क्या हो जाएगा? एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स। ठीक है? और उसी चीज को मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन ऑल दी अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स इक्वल टू, देखो नेट फोर्स ऑन ऑल द अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स, ये क्या है? यही तो द नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर ऑल द अब्सॉर्ब्ड फोटॉन ही है ना। और वो क्या है? मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, कॉस थीटा अपॉन एच सी मल्टीप्लाई बाय एच बाई लैम्डा। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है? ये डायरेक्शन है इधर। समझ आ रही है? जिधर चेंज इन मोमेंटम एक फोटोन का हो रहा है, जिधर नेट चेंज इन मोमेंटम इन फोटॉन्स का हो रहा है, उधर ही तो उन पर फोर्स लगेगा। अब अगर मैं बात करूं एच से एच गया, लेमडा से लेमडा गया, तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी आई ए बाय सी कॉस थीटा। किस डायरेक्शन में ये फोर्स? इस डायरेक्शन में, मतलब यहां वर्टिकल से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स ऑन द सरफेस, देन मैं कह सकता हूं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देन वी कैन से अगर उन पे फोर्स इधर लग रहा है तो जस्ट ऑपोजिट में किस पे फोर्स लगेगा? सरफेस पर। और उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, कितना? आई ए बाई सी कॉस थीटा। बट ये किधर लगेगा? ये इधर लगेगा। और वर्टिकल से कितने एंगल पर? थीटा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये जो सरफेस है
इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, वर्टिकल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो सरफेस है उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, वर्टिकल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया सरफेस का कितना है, ए है। अगर मैं प्रेशर ऑन द सरफेस की बात करूं, क्या बात करूं, प्रेशर ऑन द सरफेस, तो वो क्या होता है, वो होता है एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। बट द थिंग इज कि ये जो एफ है वो एफ परपेंडिकुलर नहीं है, एफ परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन दिस डायरेक्शन, और वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम कहेंगे कि अगर f परपेंडिकुलर निकालना है तो f परपेंडिकुलर होगा f cos थीटा, और f क्या था, f तो ये है, समझ आ रही है। तो f परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर देखी तो वो f cos थीटा होगा, और f cos थीटा क्या होगा, I a cos थीटा बाई c, और ये एरिया है, एरिया से डिवाइड होगा तो a से a कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा भी तो होगा, एफ परपेंडिकुलर इज द एफ कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा आई बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा वहां पे प्रेशर के लिए मिला था, क्या मिला था लास्ट में, जब आर इक्वल टू आपने वन लिया था तब आपको प्रेशर मिला था टू आई बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा, जब r इक्वल टू जीरो लिया है तो आपको प्रेशर मिला है आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। लिखिए अब जनरल केस करेंगे जिनमें हम मानेंगे कि कुछ फोटॉन्स जो है वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए द थर्ड केस, इफ आई टॉक अबाउट द केस थ्री, तो केस थ्री में क्या है, मान लिया है कि कुछ फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और मैंने मान लिया किसी जनरल केस के लिए बात कर रहा हूं जिसमें R इज अ रिफ्लेक्टिव पावर, ठीक है ना। तो हमें पता था कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इक्वल टू कितना है, बोलो, वो तो हमने निकाल ही चुके हैं, वो निकाल चुके हैं I a cos थीटा by hc into lambda, यही तो निकाल चुके थे, इसमें तो कोई शक नहीं था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं I a lambda cos थीटा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नंबर ऑफ, अगर मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, अगर मुझे निकालने फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड कितने होंगे बोलो, सीधा जितना भी है टोटल उसमें आर का मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कह सकते हैं आर मल्टीप्लाई बाय आई ए लैम्डा कॉस थीटा अपॉन एच सी। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब्ड, तो उसमें सिंपल किसका मल्टीप्लाई करता हूं, ये मैं वहीं से कर रहा हूं जो मैंने लास्ट किया था जब नॉर्मल इंसिडेंस था, ठीक है ना, कॉस थीटा अपॉन एच सी, ठीक है। अब मुझे देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स है उनके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, और जो अब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स है उनके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। तो जो हमारे अब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स होते हैं उनके लिए चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, एच बाई लेमडा, अभी पढ़ चुके हैं, और डायरेक्शन क्या होती है ये, ठीक है। और जो हमारे रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स होते हैं उनके लिए चेंज इन मोमेंटम कितना होता है बोलो, अरे बोलो, हमने पहला केस यही तो किया था इंक्लाइन इंसिडेंस में, डेल्टा पी होता है टू एच बाई लेमडा कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या होती है ऊपर की तरफ, वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आता है, सिंपल। तो अगर मैं बात करूं कि फोर्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फोर्स
ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, कितना लिखूंगा, सिंपल फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, बोलो कितना होगा। सिंपल सी बात है कि जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स होते हैं उन पर खुद पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है तो वो सरफेस पे नीचे की तरफ लगाएंगे, और वो कितना लगाएंगे, वो होगा चेंज इन द नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड के इक्वल, वो कितना होगा, द नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड के इक्वल। तो द नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा, दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकंड, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड ही तो थे ना, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकंड कितने हो जाएंगे, ये भी पर सेकंड है, ठीक है ना, ये पर सेकंड ही है, ये भी पर सेकंड ही है, ठीक है ना। तो ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकंड इतने, और द चेंज इन मोमेंटम फॉर वन फोटोन इतना, और किधर है वो, ऊपर की तरफ। तो फोर्स ऑन द ऑन ऑल द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स अपवर्ड होगा, तो जो सरफेस होगी उस पर डाउनवर्ड होगा, सिंपल सी बात है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स इक्वल टू, हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू आर आई ए लैम्डा कॉस थीटा अपॉन एच सी मल्टीप्लाई बाय 2h बाय लैम्डा कॉस थीटा। किस डायरेक्शन में फोर्स होगा सरफेस पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपल लैम्डा से लैम्डा, एच से एच, तो ये आपका आ गया आर आई ए बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा, किधर, डाउनवर्ड। मतलब अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो फोर्स ऑन द सरफेस किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो किसकी वजह से, रिफ्लेक्टेड की वजह से, जिसको मैंने एफ आर कह देता हूं, समझ आ रही है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, एफ आर कह रहा हूं, रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स की वजह से जो फोर्स है सरफेस पर वो परपेंडिकुलर नॉर्मल की डायरेक्शन में लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं फोर्स ऑन द फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स, ड्यू टू अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस आर या फिर ए मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, इसे ऐसे नहीं लिखते, फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू द अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स वो क्या हो जाएगा, वो होगा चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ ऑल द अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स के इक्वल, समझ आ रही। मतलब जितना भी चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड होगा अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स का, उसके ही इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द सरफेस, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये हमें पता है कि एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इधर हो रहा है, इधर का मतलब नॉर्मल से थीटा एंगल पर, तो सरफेस पे जो फोर्स होगा वो जस्ट ऑपोजिट होगा, जैसा कि हमने सेकंड केस किया था। तो सीधा हम कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अब्सॉर्ब फोटोन विच इज वन माइनस आर आई ए लैम्डा कॉस थीटा बाय एच सी मल्टीप्लाई बाय एच बाई लैम्डा। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये बताओ, इसकी डायरेक्शन होगी ये, सॉरी सरफेस पर लिख रहे हैं तो सरफेस पर डायरेक्शन क्या होगी ये, क्योंकि वर्टिकल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, ये होगी डायरेक्शन। अगर मैं इस फोर्स को एफ ए बोल देता हूं तो एफ ए की डायरेक्शन होगी ये, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो एच से लैम्डा से लैम्डा, एच से एस गया, तो ये आपका आ गया वन माइनस आर आई ए बाई सी कॉस थीटा,
और यही क्या है आपका एफ ए है, और अगर इसको देखूं तो ये अगर सरफेस है और ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो हम कह सकते हैं जो एफ ए की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। अगर मैं पूछूं सरफेस पर जो अब्जॉर्ब फोटॉन्स है उनसे फोर्स इधर लग रहा है, और सरफेस पर जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स हैं उनसे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो सरफेस पर अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो एक फोर्स तो सरफेस पर इधर है एफ आर, और एक फोर्स क्या है इधर है और वो क्या है एफ ए, और दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। अगर मैं सरफेस पर नेट फोर्स की बात करूं कि एफ नेट ऑन द सरफेस, तो क्या होगा, हमें पता है दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर एडिशन के लिए क्या करेंगे रिजल्टेंट के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो करेंगे हम एफ आर स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस टू एफ आर एफ ए एंड कॉस मल्टीप्लाई विद एंगल बिटवीन एफ आर एंड एफ ए, तो नेट फोर्स कहीं यहां पे आ जाएगा, दिस इज द एफ नेट ऑन द सरफेस। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज हमको क्या निकालना है, मान लीजिए अब मुझे निकालना है फाइनली प्रेशर, क्या निकालना है प्रेशर ऑन द सरफेस। तो प्रेशर के लिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रेशर ऑन द सरफेस तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए, और एफ परपेंडिकुलर क्या है, एक तो एफ आर है और एक एफ ए का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, मतलब एफ परपेंडिकुलर जो है ना वो ये है एफ आर प्लस एफ ए कॉस थीटा अपॉन ए, समझ आ रही है। एफ परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस कितना है, एक तो एफ आर तो डायरेक्टली नॉर्मल की डायरेक्शन में है और एक एफ ए का नॉर्मल की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द एफ परपेंडिकुलर, तो एफ परपेंडिकुलर तो सीधा देखो एफ आर कितना है, ध्यान से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, एफ आर जो हमारा निकल के आया वो ये निकल के आया, और जो एफ ए है वो ये है, और एफ ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसमें कॉस स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। जब हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा लगा के मतलब इसमें कॉस स्क्वायर लगा के इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें जो मिलने वाला है ना जो प्रेशर जो मिलने वाला है ना वो ये मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा, जो प्रेशर मिलने वाला है ना वो मिलने वाला है आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस आर। सो दिस इज द प्रेशर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको बताऊंगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला ही वन मैन आर्मी की तरह काम करेगा। जितना भी हमने पढ़ा है ना, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी केसेस हमने पढ़े हैं, ये सारे केसेस को क्या प्रूव कर देगा। देखो जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, मान लीजिए नॉर्मल इंसिडेंस है, उसके लिए सिंपल आप थीटा की इक्वल टू जीरो डाल दो। नॉर्मल इंसिडेंस का मान लीजिए केस वन करना है, जिसमें मान लीजिए आर इक्वल टू वन मान लिया है, नॉर्मल इंसिडेंस हमने पढ़ा था याद है, तो थीटा इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू क्या वन, तो टू आई बाई सी सीधा का सीधा प्रेशर। नॉर्मल इंसिडेंस थीटा इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो तो प्रेशर आई बाई सी। इंक्लाइन इंसिडेंस आर इक्वल टू वन तो टू आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आर इक्वल टू वन केस टू किसका इंक्लाइन इंसिडेंस का, तो आर इक्वल टू जीरो तो आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है प्रेशर का जो आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, जितने छह केसेस किए हैं ना उन छह केसेस के लिए ये अकेला ही क्या दे देगा आपको, प्रेशर दे देगा ऑन द सरफेस, रेडिएशन प्रेशर ऑन द सरफेस। एक ही ये फॉर्मूला जो है वो आपको दे देगा छह केसेस के लिए, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि जो थीटा एंगल है वो किससे है, नॉर्मल से एंगल है, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि वहां पे होता था ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस,
वही एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है नॉर्मल एंगल किसके साथ, नॉर्मल के साथ। अगर वो जीरो है मतलब नॉर्मल इंसिडेंस है तो थीटा इक्वल टू जीरो डाल दो। तो एक ही फॉर्मूला सारे के सारे सिक्स जो केसेस है उनको क्या प्रूव कर देगा, बट फोर्स के लिए कहानी थोड़ी अलग है, उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, लिखिए अब। तो यहां पे हम एक और क्वेश्चन अच्छा सा करेंगे रेडिएशन प्रेशर का, लिखिए। ठीक है, ऐसे फोटॉन्स क्या है गिर रहे हैं, मतलब ऐसे रेडिएशन गिर रही हैं जिसकी इंटेंसिटी आप क्या मान लीजिए आई, और वेवलेंथ क्या मान लीजिए लैम्डा, और जो स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको आर दे रखी है, स्पेयर की रेडियस कितनी दे रखी है आर दे रखी है, और आपको आर इक्वल टू वन के लिए, आर इक्वल टू वन का मतलब जितने सारे फोटॉन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उन सब के लिए आपको बताना है रेडिएशन प्रेशर ऑन दिस या फोर्स एफ नेट या फोर्स नेट ऑन दिस स्पेयर ड्यू टू दी रेडिएशंस। ठीक है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज तो पता है मुझे कि इसमें जो सरफेस एरिया है ना, कुछ रेडिएशंस के लिए जो सरफेस है, जैसे कि सरफेस की बात करूं जस्ट यहां की इस सरफेस की बात करूं, तो इस सरफेस के लिए ऐसा लग रहा है कि रेडिएशंस नॉर्मली आ रही है, बट अगर इस सरफेस के लिए बात करूं तो इसका सरफेस एरिया इधर और इस पर जो रेडिएशंस गिर रही हैं वो कुछ ऐसे गिर रही हैं किसी एंगल पर, और वो एंगल हर किसी पॉइंट के लिए चेंज हो रहा है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहाँ पे सरफेस पर ले लीजिए, स्फेरिकल सरफेस पर, उसके लिए पॉइंट चेंज हो रहा है, मतलब जो थीटा है ना, थीटा जैसे कि हमने लास्ट हमने किया था थीटा, वो थीटा क्या चेंज हो रहा है बेसिकली। ठीक है ना, थीटा चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, और हमने एक एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट हमने जो लिया है एलिमेंट वो हमने कुछ ऐसा लिया है जो कि एक रिंग है, और इसके लिए जो जो ये थिकनेस जो लिया है वो थिकनेस बहुत कम है, और इतनी कम है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो इस पर जितनी सारी रेडिएशंस गिर रही हैं उन सबको हम सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मान सकते हैं। समझ आ रही है, उन पे हम उनको हम सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो रेडिएशंस गिर रही हैं वो कुछ ऐसे गिर रही हैं, और मतलब फोटॉन्स जो गिर रहे हैं वो मान लीजिए फोटॉन्स ऐसे गिर रहे हैं। अब आर इक्वल टू वन मान रखा है, इसका मतलब इसका मान लीजिए जो सरफेस एरिया है और उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इट इज द एरिया वेक्टर। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, जो हमने इस स्फीयर पे एक एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये एलिमेंट। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये एलिमेंट, और जो एलिमेंट लिया है ना वो ये हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल से हम हमको किसी एंगल थीटा पे लिया है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे, ये हॉरिजॉन्टल, और इस हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे लिया है ये। ठीक है, और हमें पता है कि अगर एरिया वेक्टर की मैं बात करूंगा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, पर इसका जो छोटा सा एरिया वेक्टर, समझ आ रही है। अब तुम सोच सकते हो कि ये स्ट्रिप जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, स्पेयर पे कुछ ऐसे स्ट्रिप होगी, और इस स्ट्रिप में जो होगा एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो वो कैसे होगा, इस स्ट्रिप के जस्ट परपेंडिकुलर, इस स्ट्रिप के सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा ना। वहां मैं कह सकता हूं कि इस स्ट्रिप के हर एक पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर एंड इंसिडेंट जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है या इंसिडेंट रे जो आ रही है उसके और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा या फिर नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो यही होगा, और वो यही कितना होगा, जितना एंगल ये थीटा है उतना ही ये होगा, मतलब ये थीटा ही होगा, और सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जितने एंगल से आ रहा है उतने से ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं ये कुछ ऐसे निकल गया, ये जो फोटोन है
वो आके कुछ ऐसे निकल गया, आ कितने से रहा था, h बाई लेमडा इनिशियल मोमेंटम से आ रहा था और जा कितने से रहा है, h बाई लेमडा। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं किसकी, डेल्टा p किसके, फोटोन की, फोटोन के चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी चेंज इन मोमेंटम की। ये सेम ही सिचुएशन है जैसे कि ये मान लीजिए सरफेस जिसमें ये फोटोन आ रहा है h बाई लैम्डा मोमेंटम के साथ और ये सरफेस से टकरा है और सरफेस से टकराने के बाद ऐसे h बाई लैम्डा से गया और ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमको पता था, ये हमने वहां पर स्टडी किया था कि जो चेंज इन मोमेंटम इसका होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ये होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल में चेंज इन मोमेंटम होता नहीं है ऐसे केसेस में और वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में ही चेंज इन मोमेंटम होता है। याद हो तो याद करो कि डेल्टा पी नेट इक्वल टू डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन प्लस डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन। तो डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन जीरो आया था, डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू द नेट चेंज इन मोमेंटम। समझ आ रही है, ऐसे आया था जब ऐसा इंसिडेंस हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो एक तो क्लियर कट मैं कह सकता हूं, मैं ज्यादा कैलकुलेट करना चाहूंगा नहीं, मैंने कैलकुलेट पहले कर चुका हूं, 2hy लैम्डा cos थीटा आएगा और वो किधर आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। समझ आ रही है, मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, जो एरिया वेक्टर छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इसके छोटे से एरिए की, इसके छोटे से एरिए की, मतलब ये मान लो कि थीटा पे जाके ये हमने क्या किया है, डी थीटा की ये स्ट्रिप लिया है, थीटा पे जाके ये हमने डी थीटा की क्या लिया है, ये स्ट्रिप लिया है और डी थीटा की ये स्ट्रिप है। तो ध्यान से समझिए कि ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस ये कितनी है, आर डी थीटा, आर रेडियस ऑफ दिस स्पेयर मल्टीप्लाई बाय डी थीटा, मतलब डी थीटा एंगल, ये वाली लेंथ डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है किस पर, सेंटर पर। तो हम कह सकते हैं ये लेंथ की अगर बात करें तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमारी है आर डी थीटा, मतलब अगर इसकी बात करें ये तो ये कितनी है, ये हमारी आर डी थीटा। और हमें पता है कि इसकी जो रेडियस की बात कर रहा हूं, किसकी रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, जो हमने ये रिंग कंसीडर की है आर पे जाके डी थीटा की जो रिंग कंसीडर की है, इस रिंग की अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो रेडियस होगी ये वाली। समझ आ रही है, ये रेडियस होगी ये वाली। ये किसकी रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, रिंग की रेडियस की बात कर रहा हूं। तो ये रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आर और ये हो जाएगी आर साइन थीटा। समझ आ रही है, ये कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो मतलब इस रिंग की रेडियस की बात करूं तो ये हो जाएगी आर साइन थीटा। समझ आ रही है, तो अगर मैं इस शेडेड रीजन का जो एरिया है, छोटा सा एरिया डीए, डीए को लिखना चाहूं तो वो क्या लिखूंगा मैं, 2πr sin θ आर डी थीटा, दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। समझ आ रही है, 2πr sin θ इंटू डी थीटा आर डी थीटा। अब एक बार बताओ, हम इस छोटे से एरिया के लिए ही बात कर रहे हैं अभी, क्यों छोटे से एरिया के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इस छोटे से एरिया पर जितनी भी लाइट रेज गिर रही है, जितने भी फोटॉन्स गिर रहे हैं, उन सबके लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बोल सकते हैं। यहां भी देख लो, अगर हम कहें नीचे इसके लिए देख लो, इसके लिए भी अगर हम बोले हैं, तो अगर कोई ऐसे कोई फोटोन आ रहा होगा तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, बोलो थीटा। तो इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, थीटा। मतलब इस स्ट्रिप पर जितने भी फोटॉन्स गिर रहे हैं, उन सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं थीटा बोल सकता हूं। हम बेसिकली क्यों इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि थीटा के चेंज करने पर, थीटा इक्वल टू जीरो पर, थीटा इक्वल टू जीरो पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो थीटा इक्वल टू 90 पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। बात समझ आ रही है, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, वो थीटा है ना, वो चेंज हो रहा है। समझ आ रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओनली एक थीटा, एक पर्टिकुलर थीटा पर गिरने वाली अगर मैं फोटॉन्स को देखूं, मतलब कि इस छोटी सी स्ट्रिप पर अगर जितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, उन सबके लिए मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ले सकता हूं। समझ आ रही है, तो
तो अब मैं क्या करूंगा कि टोटल फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन एरिया डीए, मतलब इस छोटे से एरिया पर कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? बोलो, आई क्या है? इंटेंसिटी, आई इंटू डीए, आई इंटू डीए नहीं करूंगा मैं, ध्यान से समझिएगा, आई इंटू जो इस जो छोटा सा एरिया है डीए, इसकी डायरेक्शन क्या ये है ना, समझ आ रही है? और ये किसकी डायरेक्शन है बोलो? अरे ये किसकी डायरेक्शन है? जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, डीए है, समझ आ रही है? ये इस सरफेस का एरिया कितना है, डीए है, जिसका डीए वेक्टर इधर आ रहा था, और इस पे जो फोटॉन्स गिर रहे हैं वो ऐसे गिर रहे हैं, समझ आ रही है? तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि इस डीए पर कितने फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई इंटेंसिटी, तो उसके लिए मुझे बीम का जो ये है ना, ये इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो लेना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि ये एंगल थीटा था, समझ आ रही है? ये अगर डीए है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूं जो कि डीए डैश बोल दो, वो कितना हो जाएगा, डीए कॉस थीटा, समझ आ रही है? तो डीए कॉस थीटा हो जाएगा ये एरिया। तो हम कह सकते हैं कि डीए एरिया पर जितना फॉल हो रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जो बीम गिरेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डीए डैश, जिसकी वैल्यू कितनी है, डीए कॉस थीटा। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन एरिया डीए पर सेकेंड, समझ आ रही है? ये क्या है, पर सेकेंड, समझ आ रही है? पर सेकेंड इतने फोटॉन्स हमारे क्या है, गिर रहे हैं, ये पर सेकेंड एनर्जी गिर रही है, सॉरी पर सेकेंड अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताइए? इसमें इस टोटल एनर्जी में ये एनर्जी पर सेकेंड इतनी गिर रही है, और इस एनर्जी पर सेकेंड में मुझे एक फोटोन की एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन डीए एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे निकालना है कि चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल द फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, नेट पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, क्योंकि हमें पता है कि आर इक्वल टू वन ले रखा है, इसका मतलब कह सकता हूं कि जितने फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं उतने ही क्या हो रहे होंगे, रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। तो हम यहां बोल सकते हैं कि आई डी ए लैम्डा बाई एच सी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टू एच बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एच से एच गया, लैम्डा से लैम्डा गया, ये हो जाएगा आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी ए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर इसकी डायरेक्शन की मैं बात करूं, इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन बताओ क्या कह सकता हूं, इसकी डायरेक्शन का मतलब हुआ कि एक फोटोन पर फोर्स किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में उसका चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब जितने भी फोटॉन्स गिर रहे हैं ना उनका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में है।
इसका मतलब उनका उन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, और उन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इसी डायरेक्शन में अगर लग रहा होगा तो इस सरफेस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो अंदर की तरफ लग रहा होगा। मतलब अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये हमारा क्या था, स्फीयर था, और ये हमने क्या है वो एलिमेंट लिया था, वहां पे बहुत सारी चीजें लिखती हैं ऑलरेडी इसलिए मैं यहां पे बना रहा हूं अलग से। इस सरफेस पर जो फोर्स लग रहा होगा फोटॉन्स की वजह से वो किधर लग रहा होगा, वो इधर लग रहा होगा, इधर सेंटर की तरफ, समझ आ रही है? ठीक है, अगर इधर से देखूं, मतलब देखो इस साइड में जितने फोटॉन्स गिर रहे होंगे वो इधर फोर्स, तो इस साइड में जितने फोटॉन्स गिर रहे होंगे वो कुछ ऐसे जा रहे होंगे और उनका चेंज इन मोमेंटम इधर होगा और उन पर फोर्स इधर होगा। इसका मतलब उनके द्वारा जो फोर्स सरफेस पे होगा वो ऑपोजिट में होगा। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस सरफेस पे यहां पे फोर्स इधर लग रहा होगा, और दोनों ही फोर्स क्या होंगे, मान लीजिए ये डीएफ है छोटा सा फोर्स, तो ये भी छोटा सा फोर्स क्या होगा, डीएफ। ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि इस डीएफ का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, होगा या नहीं होगा, इस डीएफ का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर, ऐसे ही इस वाले डीएफ का भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट इधर। अब एक बार बताओ कि हमें पता था ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, डीएफ कॉस थीटा, ऐसे ये कंपोनेंट क्या हो गया, डीएफ कॉस थीटा। मतलब एक कंपोनेंट ये वाला कितना हो गया, डीएफ साइन थीटा, ऐसे ये वाला कंपोनेंट डीएफ साइन थीटा। मेरा कहने का मतलब पता इससे ये है कि जो एफ जो डीएफ लग रहा है ना, ये डीएफ फोर्स, उसका इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा ना वो तो कट जाएगा। कैसे, क्योंकि इस सरफेस पे जो छोटा सा फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। ऐसे ही इधर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इस सरफेस पर छोटी सी पे, वो इधर लगेगा और उसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर। मतलब हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, जैसे कि हम वहां पे पढ़ा करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ करते थे रिंग के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, देखो डीएफ कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा, छोटी 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 जगह से, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को उड़ा देंगे, एक दूसरे को काट देंगे। जैसे कि ये छोटा सा इधर से फोर्स इधर आ रहा है, इधर से फोर्स इधर, काट दिया। बट जो हॉरिजॉन्टल में है ना वो जुड़ जाएंगे। मतलब जो डीएफ का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होगा, डीएफ के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होगा, डीएफ कॉस थीटा, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट क्यों, इंटीग्रेशन के लिए डीएफ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन डीएफ क्यों नहीं कर रहे, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन डीएफ, ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इंटीग्रेशन जो जोड़ता है वो एक ही डायरेक्शन की चीजों को जोड़ता है, स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ता है, या फिर वेक्टर अगर है तो वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए सारे वेक्टर्स की, तभी वो जोड़ पाएगा। तो ध्यान रहे कि जो डीएफ 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 लग रहा है ना, यहां पे इधर, यहां पे डायरेक्शन इधर है, तो इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करके अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। तो इस डीएफ का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में लेना पड़ेगा जो कि डीएफ कॉस थीटा, तो डीएफ कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा, ये सारे के सारे क्या आएंगे, देखो इधर जो डीएफ आ रहा है उसका भी डीएफ कॉस थीटा इधर है, इधर जो डीएफ आ रहा है उसका भी डीएफ कॉस थीटा इधर है, तो सारे की डायरेक्शन डीएफ कॉस थीटा की एक ही साइड में। और जब फिर क्या कर सकते हैं हम, नेट इंटीग्रेशन। बट अगर डीएफ साइन थीटा को देखा और उसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश की तो नेट जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना भाई, वो समझ आ रही है। तो नेट जो डीएफ का इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डीएफ साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। वही हम यहां पर करेंगे,
सबसे पहले डीएफ की वैल्यू देखें तो डीएफ वही है जो नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड किसका हो रहा है, फोटॉन्स का हो रहा है ना, वही फोर्स ये क्या है, नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या है, फोर्स ऑन द फोटॉन्स है ना, जो कि किधर है, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। अगर इसी को किस पे लिखना है मुझे, सरफेस पर और डी एरिया पे लिखना है, तो हम कह सकते हैं कि नेट मतलब फोर्स ऑन डी एरिया ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी, जस्ट ऑपोजिट, मतलब सेम होगा आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा डी ए, बट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट, मतलब यहां से थीटा एंगल जो कि सेंटर से ऐसे पास कर रहा होगा डीएफ, ये वही है डीएफ, छोटा सा फोर्स, बट इस डीएफ का कौन सा कंपोनेंट जुड़ेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ेगा, डीएफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जुड़ता जाएगा और डीएफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो सारे एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे। अब सुनो, मतलब हमको इंटीग्रेशन जिसका करना है वो किसका करना है, हमको करना है नेट फोर्स निकालने के लिए, किस पर नेट फोर्स, एफ नेट ऑन द स्पेयर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा डी एफ कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन, डी एफ कॉस थीटा, समझ आ रही है, रिंग है ना पूरी, ये जैसे कि ऐसे रिंग है, ऐसे रिंग है, मान लीजिए मैं ये ऐसे स्पेयर है, मैं स्पेयर के अंदर बैठा हूं तो रिंग कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी नहीं दिखेगी, तो इसमें क्या हो रहा है, डीएफ कैसे लग रहा है, रेडियली इनवर्ट, यहां से ऐसे, समझ आ रही है, ये मानो कि कैसे लग रहा है, सेंटर की तरफ, मान लो मेरी नाक को सेंटर मान लो तो नाक की तरफ, समझ आ रही, ऐसे, समझ आ रही, और उनका इन छोटे छोटे डीएफ का कौन सा कंपोनेंट हमको ऐड करना है, डीएफ कॉस थीटा, डीएफ साइन थीटा वाले तो अपने आप को एक दूसरे को काट कूट लेंगे, समझ आ रही है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एफ नेट ऑन द स्फीयर। अब इसको कुछ नहीं है, आप तो लिख लो, डीएफ क्या है, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, अब बोलो डीए की वैल्यू, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो गया, ये डीएफ है, ये क्या है, डीएफ है, अब कॉस थीटा यहां से भी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, डीए बोलो, डीए निकाला 2πr² साइन थीटा डी थीटा, क्या है, 2πr² साइन थीटा डी थीटा। अब सुनो, इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं तो देखो क्या आने वाला है, I by C और इंटू 2πr² बाहर और ये क्या बचा अंदर, cos cube थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें कि पूरा ये सरफेस यहां से यहां तक कवर हो जाए, तो थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि वहीं तक तो क्या पढ़ रही है, रेडिएशंस पढ़ रही है ना, तो थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू कहां तक, 90 तक, तो थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 90 मतलब पाई बाई 2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक चीज है, मैथमेटिक्स वाले होंगे तो वो तो समझ जाएंगे, आसानी है उनके लिए, लास्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, बट बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, देखो आप इंटीग्रेशन इसका करने के लिए क्या है, आसान तरीके यूज कराएंगे हम आपको, इसमें जो इंटीग्रेशन के रूल्स है कैसे किया जाता है वो ये है कि कॉस थीटा को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा मतलब माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, मतलब साइन थीटा डी थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस डी टी,
मतलब sin थीटा d थीटा को माइनस dt लिख सकता हूं और cos थीटा को t लिख सकता हूं, तो t क्यूब, तो यहां पे ही हो जाएगा t क्यूब माइनस dt, मतलब माइनस बाहर, ठीक है। अब लिमिट्स यहां पे किसकी है, थीटा की लगी हुई है, लेकिन लिमिट मुझे किसकी लगानी होगी, t की लिमिट लगानी होगी, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू कितना 1 और थीटा इक्वल टू 90 पर t इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पे हम कह सकते हैं इट इज 2 पाई r स्क्वायर i बाय c t, ये क्या हो जाएगा t क्यूब, मतलब माइनस 1 है तो माइनस को बाहर कर लो, वहां से एक माइनस आएगा, साइन थीटा डी थीटा को माइनस डी टी लिखेंगे और ये हो जाएगा टी क्यूब डी टी, लिमिट कहां से 1 से 0। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टी 4 बाई 4 आएगा, कितना आएगा ये टी 4 बाई 4, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, ठीक है, टी 4 बाई 4 और टी क्या माना था हमने, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का 4 अपॉन 4 आएगा, कॉस थीटा का 4 अपॉन 4, इसमें लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट इसका लिमिट लगा के यहीं पे खत्म कर सकते थे, कॉस थीटा से मतलब नहीं है इसका, टी 4 बाई 4, तो टी 4 पहले लिख लो, पहले टी 4 बाई 4, 4 को मैं यहां रख दिया है, ठीक है ना, ये 4 रख दिया है। अब इसमें लिमिट 1 से 0, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, तो 0 माइनस 1 है, अंदर 0 माइनस 1 आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसको हटा दो, तो फाइनली आंसर ये आ गया आपका, और क्या आ गया, I बाय C, I बाय C, एक चीज जो कि हम मिस्टेक कर गए, और वो क्या है कि यहां से हम 2 भूल गए हैं, ठीक है, तो यहां पे एक 2 आने वाला है और यहां पे एक 2 आने वाला है, ठीक है, और यहां पे एक 2 आने वाला है, और हम कह सकते हैं कि यहां पे 2 की जगह कितना आने वाला है, 4 आने वाला है, और 4 आने वाला है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 4 आने वाला है, ठीक है ना, 2 हम क्या कर गए, मिस कर गए हैं, ठीक है, सो ध्यान रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आ जाएगा आई बाय सी, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 से हम 4 कट जाएगा, तो आई बाय सी इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन द स्पेयर। अब आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, फोर्स ऑन द स्पेयर अगर आपको निकालना है तो क्या आप करेंगे, या फोर्स ऑन द स्पेयर की बात ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी और भी चीजें आ सकती हैं, और भी 3D ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं, तो आप सीधा का सीधा फोर्स ऑन द स्पेयर निकालने के लिए I बाय C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया समझते हैं, इसे पिचका के क्या बना दो, डिस्क बना दो, तो वो होता है प्रोजेक्टेड एरिया, या फिर इधर से लाइट गिराएंगे उधर स्क्रीन रखेंगे तो जो वहां पे जिस रेडियस की या जिस रेडियस का सर्कल की क्या बनेगी उसकी, हम कहेंगे जिस रेडियस का सर्कल बनेगा जो स्क्रीन पे, वही क्या हो जाएगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है ना, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो फोर्स ऑन दिस स्पेयर है ना, वो क्या आया है, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, क्या आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब देखिए फोर्स ऑन द स्पेयर कितना हो गया, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, अगर मैं यहां पे आर की जगह आर इक्वल टू 1 की जगह 0 ले लेता हूं, मतलब ए इक्वल टू क्या 1, तो ये यहां पे हम कहेंगे कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब इधर से फोटोन आएगा और अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यहां पे चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एच बाई लैम्डा ओनली, एक कॉस थीटा कम हो जाएगा, एक कॉस थीटा अगर कम हो जाएगा तो ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो यहां पे कॉस थीटा यहां पे जो आ रहा है वो कॉस थीटा नहीं आएगा, ओनली एच बाई लैम्डा आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि अगर मैं सोचूं दूसरी बात कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन इस डायरेक्शन में होगा, तो जो फोटोन पे फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, तो फोटोन जो सरफेस पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट हम डीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे, ना कि डीएफ कॉस थीटा का, तो यहां से कॉस थीटा एक कम हो जाएगा, तो यहां पे बस क्या आएगा, कॉस थीटा यहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा को आप टी मानोगे और साइन टी माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या डी टी, तो जब कॉस थीटा इक्वल टू टी यहां पे रखोगे तो यहां पे क्या रखोगे टी डी टी रखोगे,
क्योंकि यहाँ पे cos क्यूब थीटा की जगह cos थीटा होगा, किस टाइम पर, जब a इक्वल टू 1 ले लोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब टी स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ जो 4 आया उसकी जगह क्या आएगा, 2 आएगा। अब आप दूसरी बात सुनिए, यहाँ पे ये जो 2 आया है ना, 2 जिसको हम अभी भूल गए थे कैलकुलेशन में, वो 2 a इक्वल टू 1 के केस में नहीं आएगा, और a इक्वल टू 1 के केस में ये 2 नहीं आएगा, तो जो वैल्यू है ना ये यहाँ पर 2 ही रहेगी, 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाली 2, समझ आ रही है, तो नीचे से 2 और यहाँ पे भी 2 होगी तो 2 से 2 कट जाएगी, सेम आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 1 के केस में भी। तो चाहे a इक्वल टू 1 हो, चाहे a इक्वल टू a हो, चाहे r इक्वल टू 1 हो, चाहे r इक्वल टू 0 हो, सीधा का सीधा फोर्स ऑन द स्पीयर क्या आ जाएगा, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब इसी के साथ साथ में अगर मैं आपको एक ऐसी रेंडम क्वेश्चन दे दूं कि मान लीजिए आपका एक कोन पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं मिटा नहीं रहा हूं ज्यादा, आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कोन है, क्या है ये कोन है, ये 3D कोन है, 3D कोन है, ठीक है, ठीक है, और इसका मान लीजिए कि रेडियस जो है वो R है, और इसकी जो हाइट है ना वो आपको दे रखी है H, और इधर से क्या आ रही है, ये ऐसे लाइट रे आ रही है, और जिनकी इंटेंसिटी आप मान लीजिए कि I दे रखी है, और जो लाइट के फोटॉन्स आ रहे हैं उनका वेवलेंथ, उनके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा दे रखा है, और अगर आपको पूछ लिया कि बताइए कि फोर्स ऑन दिस कोन, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, फोर्स ऑन दिस कोन हो जाएगा आई बाई सी मल्टीप्लाई बाय द प्रोजेक्टेड एरिया। आपको प्रूफ समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे करेंगे, चाहे आर इक्वल टू 1 दे रखा है या फिर ए इक्वल टू 1 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है उसके लिए, दोनों के लिए फोर्स ऑन दिस कोन ये हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन प्रेशर, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड एरिया इसमें क्या लेंगे, इस कोन को जब ऐसे पिचका देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगुलर प्लेट बन जाएगी, और ट्रायंगुलर प्लेट की अगर मैं बात करूं तो जो बेस लाइन होगी वो कितनी होगी, 2R की, और उसकी हाइट क्या होगी, कैपिटल H, तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका I बाई सी आर एच। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड एंड वी कैन यूज दिस डेरिवेशन। तो आपको यहां से बस एक ही चीज याद रखनी है, I बाय सी मल्टीप्लाई बाय द प्रोजेक्टेड एरिया इज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इसमें कोई और भी पूछा जा सकता है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई और शेप दे दिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है, ठीक है, लिखिए।